कम से कम जंगल में जितने भी जानवर हैं, पेड़ है, वह पूरी तरह से नष्ट हो रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है। अपने आसपास की ताजा तरीन खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली न्यूज झारखंड और घंटे के बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। औनादपुर से हमारे संवाददाता सतीश कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। कैलान पंचायत में चारों तरफ से जंगलों में लगा है आग, बुझाने में गाँव के लोग हैं परेशान। भवनाथपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कैलान पंचायत के जंगलों के साथ गांव में लगा आग, जो बुझाने में ग्रामीण है परेशान, फिर भी आग पर काबू पाना मुश्किल है। टाउनशिप के शिवनगरी जंगल से आग की लपटें दो दिनों से चल रही हैं, जो झाड़ियों में तूफान के सहारे आग कैलान गांव में पहुंच गई। सुरेंद्र सिंह के घर के आंगन में झाला जलकर खाक हो गया, बाल बाल जलने से बच गए। खैरियत की बात तो यह है कि मेरे घर के पास गांव के टीम के मदद से आग बुझाने में काबू पाया गया, आग पर काबू पाया गया, लेकिन जंगल की लपट हाहाकार मचा कर रखा है। मिनटों में आग बहुत तेजी से फैल रही है। आग बुझाने में पदाधिकारी के साथ ग्रामीणों का भी मदद काफी है, लेकिन आग देखकर ऐसा लग रहा है कि आग बुझाने में लोग नहीं हो पा रहे हैं सफल। आग लगने की शंका ग्रामीणों ने जताया है कि जंगल में महुआ चुनने वाला या तो बीड़ी सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के द्वारा यह हरकत किया गया है, जो आज गाँव के घर के साथ फसल भी आग से जल रहा है। एक तरफ लोग गरीबी के शिकंजे में जीवन बसर कर रहे हैं, तो एक तरफ संपत्ति जलकर मिट्टी में मिल रही है। आग का मातम इतना छाया हुआ है कि अगर आग नहीं बुझा तो कितने संपत्ति एवं जानवर जीवन चला जाएगा। आग बुझाने वाले कैलान का मुखिया राजकिशोर सिंह एवं संजय यादव, शक्ति सिंह, शिव कुमार सिंह, चंदन सिंह, जमुना सिंह आदि एवं महिला का भी भूमिका आग बुझाने में काफी सराहनीय रहा है। जो आग लगा है मुखिया जी, इसका कोई अभी तक जानकारी आपको है? हमको जानकारी है, अभी अभी यहाँ का रिपोर्ट बता रहे हैं। जंगल में अज्ञात लोग, बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग, और अभी तो यह जो आग है बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग के द्वारा ही लगा है, और दूसर का महुआ चुनने वाले जो लोग हैं, आग लगाकर महुआ के नीचे से पतई झाड़ी साफ करते हैं, उनके द्वारा आग को छोड़ दिया जाता है, और वह लापरवाही आज भयंकर रूप ले लिया। आज पूरे कैलान को आग अपने आगोश में ले लेता। हमारे जंगल बचाव अब टीम जो है कैलान का, उनका अगर योगदान नहीं होता तो पूरे कैलान में आज आग लग चुका होता। जैसे जंगल में आग लगा था, हम लोगों ने सबको खबर किया कि जंगल में आग लगा है, जल्दी से आप टीम बना के जाइए। तो लोग गए, लेकिन जंगल का आग काबू नहीं हो रहा था। वह आग गांव तक आ गया। आज कैलान के हमारे जंगल बचाव अभियान जो चलाते हैं उस टीम के सदस्य हैं श्री सुरेंद्र सिंह, उनके घर में भी आग लग गया। तो इस टोले के जितने भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी लोग ने उनका किसी तरह से झाला तो बचा नहीं पाए, आग घर को बचा लिया। उधर हमारे गुरुजी हैं श्री शिव कुमार सिंह जी, उनके घर तरफ घर। अच्छा, अभी तक क्या बोलते हैं, जंगल में आग दिख रहा है कि बुझा नहीं है, नहीं, इसका कोई उपाय अभी तक? हमारे टीम जितने हैं, टीम के सारे लोगों को अलर्ट किए हैं कि रात्रि में टीम बना के जगे रहे लोग। आज रात्रि में इसी जगह लोग सोएगा, जिस क्षेत्र में भी आग लगेगा वहाँ हमारे लोग जाएंगे। केवल गाँव में, गाँव के लिए आग जो आ रहा है उसी को बुझा रहे हैं या जंगल में भी जा रहे हैं? जंगल में भी हमारी टीम जा रहा है। अच्छा, तो अभी संभव नहीं हो पा रहा है। अभी हम लोग चाहेंगे कि सरकार से कि जिस प्रकार से आग लपेटे जो आया गांव में, घर जलाने लगा, उस समय हम लोगों को लगा कि अभी आग बिताने का जो सरकार के द्वारा व्यवस्था है वो हम लोग को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रखंड में एक भी नहीं है। अगर रहे